हेलो हाय यूरन स्टॉक टन में आप लोग का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले बैंक ऑफ इंडिया शेयर्स के बारे में बट उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज गाइस जिनके लिए भी ये चैनल नया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया शेयर्स के बारे में तो हम लोग ने बात किया ही था पहले भी बट आज क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बात करें आज के दिन शेयर्स में जो तेजी देख सकते हैं थ्री का छोटा मोटा तेजी नहीं बहुत लंबा तेजी एंड फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट की एक सौ पचास रुपए पे एंड यहां पे देख सकते हैं डेज पे तक की तेजी तेजी छोटी मोटी नहीं अच्छे लेवल पे तेजी बनते हुए दिख रही है बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है देख सकते हैं कि यहां पे आप लोग को इतने बार ऑपरचुनिटी मिली है पैसे बनाने की कि आप खुद आइडिया नहीं लगा सकते हर बार अगर हम लोग देखें तो शेयर बार बार 150 पे आती थी 149 चाहे बोलो 150 के रेंज पे आती थी एंड फिर से डाउनफॉल डाउनफॉल कहां तक जाता था 124 तक जाता था चलो जो लोग भी 124 तक नहीं बाई करते 130 थर्टी पे बाई करते हो गया? ठीक है 130 थर्टी पे भी जो लोग बाई करते होंगे तो आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूं अगर आज के दिन यहां पे भी बाइंग कर रहे हो ठीक एंड गेम चल रहा है सोलह बहुत बहुत सारी चीजें हो, होते हुए दिखा कि फिर से अभी तक फिल ही नहीं हो पाई है एंड चीजें बस यहीं पे नहीं खत्म हो रही है अब अगर जनवरी से याद करो फेबर में एक बार चांस फिर दूसरा चांस तीसरा चांस बार बार आपको यही कंपनी सोलह परसेंट चाहे सोलह क्या मैं बोलूं बारह परसेंट बारह परसेंट उससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचते बारह परसेंट भी अगर बनाते हुए आपको एक बार दो बार तीन बार एंड ये चौथे बार दिख गई तो ऐसे ही आपका चालीस परसेंट बन गया कुछ महीनों के अंदर में ठीक अब एक वही चीज बात समझ में समझना पड़ता है कि एक सही पोजीशन बाइंग आपको कब मिलेगा यहां पे देखेंगे कि अगर डाउनफॉल जाने का बात है तो यहां से अब पूरा पूरा एक्सपेक्टेड है कि डाउनफॉल जाते हुए देखिए उतने देर से स्विंग ट्रेडिंग भी तो हो रही है तो डाउनफॉल जाने का पूरा का पूरा चांसेस है तो अब यहाँ पे हम लोग भी तो फोकस डालते हैं ये देख लो ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग का रेंज एरिया है ठीक इस एरिया को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का रेंज एरिया बोलते हैं लास्ट टाइम का इधर रिकवरी होते हुए दिखा था ये अच्छी खासी डाउन गई थी वन थर्टी थ्री पे ही रिकवरी बना ली मार्केट में चलो ये भी एक ग्रेट ऑप्शन थी एंड ग्रेट ग्रेट चॉइस थी बट अब ये जो जिस लेवल पे भाग रही है एक्सपेक्टेड है कि आप ब्रेकआउट देते हुए दिखेगी तो हाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड है ब्रेकआउट देते हुए दिखेगी यहाँ पे आपको मैं रीज़न बताता हूँ एक्सपेक्टेड क्यों रह सकती है डिलीवरी लेवल देखो इस रीज़न में भी जाते हुए उतनी हाई लेवल पे जाते हुए भी 53.05 का फ्लो मेंटेन है ऐसा नहीं है कि कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा डाउन है ठीक चाहे फाइव ईयर के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लो कि कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन है कंपनी सबसे हाई को मेंटेन की हुई है अब सेवेंटीन एटीन का बात हटाते हैं तब का मैं बता रहा हूँ मतलब अभी रिसेंटली में ये सबसे ज़्यादा हाई पे 52 वीक के अगर रेंज के अकॉर्डिंग बात करें बहुत ज़्यादा हाई लेवल को मेंटेन की है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपनी एक बड़ा गेम खेल सकती है ऑब्वियसली uh, बड़ा गेम खेल सकते हैं एंड ये रहा आपका स्विंग ट्रेडिंग का एरिया तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट होते हुए दिखे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग के पास अभी भी अगर होल्डिंग्स बना हुआ है तो 50 50 वाला गेम आप लोग को पता है कि 50 परसेंट सेल कर दो 50 परसेंट का प्रॉफिट बुक कर लो एंड फिफ्टी को छोड़ दो मतलब फिफ्टी को छोड़ सकते हो आप फिफ्टी परसेंट यहाँ पे सेल आउट करके अपनी प्रॉफिट बुक कर लो नहीं तो आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लेने वाले को कौन रोक सकता है बट हाँ अगर आप ले भी रहे तो ठीक है ले रहे हो बहुत अच्छी बात है 144 से अगर डाउन आ जाए तो आप पूरा पूरा का पूरा एग्जिट कर सकते हो एक अच्छा पॉइंट पे आपको एग्जिट करने मिल जाएगा अगर 144 से डाउन आ जाती पूरा का पूरा एग्जिट कर लो प्रॉफिट बुक कर लो एंड एक सही पोजीशन पे देन हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए अभी बहुत खतरनाक फ्लो है गेम चल रही है मार्केट में अच्छे लेवल पे ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं डिलीवरी भी अच्छी होते हुए दिख रही तो जिसके चलते एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ब्रेक करते हुए दिखे तो वो तो मैं आपको कल के वीडियो में या मंडे मूव बता ही दूंगा क्या क्या करना है तो इसलिए जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो इनफैक्ट बेलाइकन पर भी क्लिक कर लो फॉर माई लेटेस्ट अपडेट थैंक यू हैव हैवे नाइस डे